दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं श्वेता शर्मा एक और नया वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ओम विजय फैशन से। आज का वीडियो लिटरली आपके वो सवाल के जवाब है जो आपके अंदर चलते रहते हैं, तो इसलिए वो सवालों के जवाब आपको चाहिए तो इस वीडियो में लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ भैया के पास और डायरेक्ट हम बात करते हैं उनसे। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप। तो भैया, व्यापार, वैसे तो अक्सर हम व्यापार के लिए काफी डिस्कस करते हैं, काफी बातें होती हैं, काफी सपोर्ट आपने रखा है, लेकिन व्यापार जो है वो एक्चुअल में जानना चाहूं, गहराई से आप बताइए कि क्या बेनिफिट है व्यापार में, क्या फायदा है व्यापार में। देखिए, व्यापार है जो रोज का है जी। नौकरी है तो 300 दिन की जी, 30 दिन पे ही पगार मिलेगी। और व्यापार है तो रोज का है, तो अपने हिसाब से करेंगे तो इसकी कमाई की लिमिट नहीं है, मतलब चाहे जितना इसमें कमा सकते हैं। हाँ, जी, लेकिन करने आना चाहिए। कोई भी डरता है, घबराता है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि सूरत ही आइए, यहीं विजिट कीजिए, देखिए और लीजिए। अभी ऑनलाइन चल रहा है जी, तो ऑनलाइन अच्छा सुविधा है, बिल्कुल घर बैठे हर चीज मिलता है, लेकिन लोग उसको खराब कर देते हैं, फिर दिखाते हैं कुछ है प्रोडक्ट, कुछ भेज देते हैं, तो ये भी सुविधा खराब होने लगा है। तो इसके लिए जिसको भी व्यापार करना है तो एक बार समझे बुझे देखें तब करें जी, तो उनका बेनिफिट होगा, व्यापार चलेगा। अब पैसा लगाते नहीं है, डरते हैं, घबराते हैं कि कैसे चलेगा नहीं चलेगा। हम उनको यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आइए, आपको रहना खाना फ्री देते हैं जी, रिसीव भी कराते हैं, रात को आते हैं तो भी ड्राइवर रखा है, दिन का ड्राइवर भी रखा है जी, रात में आते हैं तो उनको खाना भी देते हैं, रूम भी देते हैं, सुबह हम मुलाकात भी करते हैं, पूरी बातचीत करके ही उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं जी, क्योंकि उनको कोई भी नुकसान नहीं हुए। हमारा कहना यही है कि उनका जब तक कपड़ा बिकेगा नहीं तब तक मेरा बिका नहीं, वो जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक हम भी सफल नहीं होंगे जी। तो उनके सफलता के लिए सारी चीजें हम कर रहे हैं जी, और जो माल लेके गए हैं वो कमेंट भी करेंगे, बताएंगे भी कि कैसे सफलता पा रहे हैं, और ग्राहक को ग्राहक भेजे तो हम सोचते हैं कि हमारी दुकानदारी स्ट्रॉन्ग है जी। अभी तो हम बारकोड सिस्टम भी कर दिया है, रेट के लिए उनको टेंशन ही नहीं है जी। हमारी तो मजबूरी है कि मेरे को जो दिखाना वही देना ही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल। हाँ, अब जैसे यही चीज है, खरीदी अपनी हो जाती है, खरीदी के लिए मैं एक चीज जानना चाहूंगी, कोई भी व्यापार करने के लिए तैयार तो हो गए, घर से पूंजी भी लेके निकल पड़े, लेकिन जब खरीदी सही नहीं होती तो बिजनेस सफल कैसे होगा। हाँ, तो खरीदी करना ही पड़ेगा और ढंग से होनी चाहिए, उनको अनुभव नहीं होता है तो हम लोग यहाँ बताते हैं सारी चीजें। हाँ, वीडियो में भी नहीं बता पाते हैं जी, क्योंकि यहाँ आते हैं तो सब चीज समझाते हैं कि ओपनिंग कैसे करना है, बिक्री कैसे करनी है, मार्जिन कितना रखना है, मुनाफा क्या रखना है जी, और कौन सा प्रोडक्ट कब ले जाना है, कब बिकता है, और क्या क्या चीजें रखनी पड़ती है, और कैसे रखनी है, कितनी क्वांटिटी रखना है। कोई आता है, कोई चीज सस्ती दी गई तो 200 पीस ले लिया, तो चार पांच क्वालिटी ले लिया, 1000 पीस जाकर के तो फिर बिकता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उनको 20-30 वराइटीज बना के देते हैं, 40-50 वराइटीज बना के देते हैं कि कोई ना कोई बिकेगा, एक दो रुक गया तो लाने में भी दिक्कत नहीं है, चेंज भी हो जाएगा जी, और एक बार क्वांटिटी माल लेके चले जाते हैं, नया आदमी उनको समझ में नहीं आता तो बिकता नहीं है, यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बताते हैं जी। अब जैसे कई बार क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं भाई 5,000-10,000 में बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, तो मैं यही जानना चाहूंगी जो क्वांटिटी पूरा सेट वाइज जो आप प्रॉपर तरीके से उनको जो है स्टेप टू स्टेप तैयारी करके देते हैं, तो क्या वो पूरा सेट वाइज 5-10,000 में तैयारी हो जाती है। 5-10 हज़ार रुपया में कैसे तैयारी होगा, जिसको ज्यादा नहीं समझ में आता है तो लोकल में ही खरीदिए, वहाँ भी होलसेलर रहते हैं, जब आओगे 5-10 हज़ार के मंगाओगे तो ऑनलाइन से भी मंगाने से बढ़िया है कि वहीं 5-10 हज़ार का कपड़ा लेकर के बेचना सीखिए जी, आंखों के सामने ही खरीद के लाइए। और आपको क्या है, आओगे जाओगे तो खर्चा बढ़ता है जी, तो वो खर्चा नहीं लगता है, कोई भी होलसेल भी कितना कमाएगा, 5%-10% जी, और इधर आएंगे कहीं भी 10-5 हज़ार का कपड़ा ले रहे तो 20-30% उनको खर्चा हो जाता है। यह चीज उनको समझदारी नहीं होती तो हम लोग समझाते हैं, हम लोग का कपड़ा बेचना मकसद नहीं, हमारा मकसद है उनका सफलता देना जी, कि बिजनेस में सफल कैसे हो,
ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सफलता जो आपको मिलेगी दोस्तों, वो एक्सपीरियंस जिनके पास है उनसे ही मिलेगी। जैसे ओम विजय फैशन में सर है विजय भाई, जो कि 27 साल से सूरत के अंदर कपड़े का व्यापार कर रहे हैं। तो जैसे कि सर ने बताया, वैसे भी बहुत सारी बातें हैं, सर ने सही कहा कि वीडियो के अंदर हम सारी बातें कवर नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया आपका कीमती वक्त देने के लिए।